तो हाँ, मुझे पता है आप सभी फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हो, और हाँ मतलब इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ फोटोशॉप बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप। मतलब फोटोशॉप में ऐसा ऐसा बोलना चाहिए कि हम उसमें क्या नहीं कर सकते, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि आपके पास अच्छी सिस्टम मतलब अच्छा PC, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए ताकि उस सॉफ्टवेयर मतलब अपना जो फोटोशॉप है उसको अच्छे से चला सके। और बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जितने जिनको मतलब इतना हार्ड कोर जो एडिटिंग नहीं करना है, मतलब कुछ बेसिक काम हो जाए तो मतलब काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आप अगर फोटोशॉप डाउनलोड करते हो तो स्पेस लेता है, वो लेता है। और सबसे मेन बात, अगर उसका आप लाइसेंस परचेस करने जाते हो तो वो कॉस्टली भी पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं फोटोशॉप के 3-4 अल्टरनेटिव लेके आया हूँ जो आप फोटोशॉप की जगह यूज़ कर सकते हो, और प्रिटी मच उसके जैसे ही है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब वर्किंग भी सेम है। तो 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, 3 या 4 होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगे उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है सभी की, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नितेश जैन और आप देख रहे हैं टेकवाई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो गाइस, हमारी लिस्ट का जो पहला सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फोटोपी, और ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैंने इसको एक अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन किया हुआ है। तो ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको खाली सर्च करना है www.photopea.com। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप यहाँ पे इसको ये मतलब ये पूरा आपको लग रहा होगा फोटोशॉप की तरह, तो हाँ इसका लेआउट पूरा फोटोशॉप की तरह है। आप यहाँ पे इसका हिस्टोग्राम जो भी वो देख सकते हो, यहाँ आपको लेयर्स वगैरह दिख जाएगी, यहाँ सारे टूल्स जो भी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और इसमें ये खासियत ये भी है कि इसके अंदर आप ना .psd जो फाइल होती है फोटोशॉप की एक्सटेंशन वाली जो फाइल्स होती है उसको भी आप इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी बेस्ट चीज़ हो गई। और इसको मतलब इतना एक तरह से ये भी है कि आप इसको आपको ना तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपका लैपटॉप का PC का वो जो भी स्पेस है वो बिगड़ेगा। तो ये इसकी एक और बेस्ट बात होगी। और लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर ये वेब बेस्ड है और इसमें सारी जो चीज़ें होती है अपन जो भी एडिट करने के लिए जो भी फोटोज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट इसके सर्वर पे अपलोड होती है। और बहुत बार क्या होता है जिसके अपना नेट स्पीड थोड़ी स्लो हो गई और कुछ हो गया तो ये ना अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग वगैरह हो जाता है। लेकिन अगर आप जब भी इसको यूज़ करो तो ध्यान रखना आपका जो नेट है वो सही साथ चले, और आप इतना हाई क्वालिटी की हाई हार्ड कोड चीज़ें इसमें एडिट ना करो, मतलब थोड़ा लाइट मतलब बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ करो तो ये सही रहेगा। तो गाइस, हमारी लिस्ट में जो है अगला सॉफ्टवेयर उसका नाम है क्रीटा, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ये कोई वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब ये 105 MB के अंदर आ जाएगा। तो मतलब फोटोशॉप से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और ऑफकोर्स ये फ्री भी है, और इसका जो लेआउट है वो बिल्कुल फोटोशॉप के जैसा ही। आपको इधर लेयर्स वगैरह मिल जाएगी, इधर आपको कलर पैनल भी मिल जाएगा, इधर आपको सारा टूल्स वगैरह मिल जाएगा। और देन अगर बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर आप अपनी .psd जो फोटोशॉप एक्सटेंशन वाली जो फाइल्स होती है उनको भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, तो ये बेस्ट बात हो गई। और अगर आप करना चाहो इसको ट्राई तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कर लेना। अगर आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो आई थिंक आप इसको ज़रूर यूज़ करना पसंद करोगे। गाइस, हमारी लिस्ट में जो लास्ट ऐप है, अब लास्ट सॉफ्टवेयर है अपना, उसका नाम है गिम्प, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये भी उसी पिछले वाले सॉफ्टवेयर की तरह छोटा सा सॉफ्टवेयर है। और हाँ, इसका जो लेआउट है थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बिलीव मी यू आर गोना लव इट। एंड ये ओपन सोर्स है, तो इसकी एक वाइड कम्युनिटी भी है, तो इसको है ना मतलब अगर आप यूज़ करते हो और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको इसमें बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, एंड इसको एक ट्राई तो देना बनता है। तो या आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी इसको लाइक जरूर कर देना, और अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मैं भी हूँ, तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। मेरा हैंडल आपको @iNiteshJainYahan दिख रहा होगा, तो मुझे फॉलो कर लेना। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ। एंड आपका अगर कोई भी कमेंट सजेशन जो भी हो आप मुझे कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कर दो, तो मैं उसको विद इन 5 मिनट आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।